दोस्तों आज सभी नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मैन डिजाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपने इस बिगनर्स क्लास में। गाइस आज की ट्रेनिंग बिगनर्स इसलिए कहा मैंने कि जो लोग मेरी ट्रेनिंग को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं और जो ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने आज ही हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो चाहते हैं कि मेहंदी को सीखना, एक अच्छी प्रोफेशनल मेहंदी कैसे सीखें, अच्छी मेहंदी की क्वालिटियां कैसे लेके आए कि किस तरह से वो भी एक्सपर्ट बन सके। अगर गाइस आप चाहते हैं वाकई में एक्सपर्ट बनना तो गाइस ये ट्रेनिंग आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं स्पेशली आपके लिए ये वाला सेशन लेके आया हूं ताकि मैं आपको बारीकी से एक एक एलिमेंट को, एक एक डिजाइन को बहुत ही प्यार से सिखा सकूं। तो गाइस आज की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गाइस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस पैटर्न हमारा एकदम क्लीन है, ठीक है, और आज की ट्रेनिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग मेरी ट्रेनिंग को प्रॉपर रेगुलर अटेंड करते हैं और जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी ट्रेनिंग को देख रहे हैं। आपके मन में ये आएगा, सर ने बोला कि जो लोग डेली देखते हैं वो भी ट्रेनिंग देखें, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है रीजन। गाइस आज मैं आपकी उन गलतियों को दूर करने वाला हूं जो गलतियां हमेशा करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आपके हाथ में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, फिनिशिंग नहीं आ रही है, उसका मेन कारण क्या है, तो आज गाइस इस ट्रेनिंग में हम उस सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। और गाइस आज की ट्रेनिंग के बाद आपके पास कभी भी ये कहने का मौका नहीं होगा कि सर मेरे हाथ में इंप्रूवमेंट नहीं आया, मेरे हाथ में क्लैरिटी नहीं आई, ठीक है। सबसे पहले हम कौन जो पकड़ते हैं, कौन पकड़ने का तरीका देखिए हमारा, ये वाला जो हमारा राइट हैंड है। गाइस इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, जो लोग गलतियां करते हैं इन गलतियों को आप भी नहीं रिपीट कर रहे हो, वो चीज आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप देख पा रहे हैं जो हमारी ये छोटी फिंगर है, छोटी फिंगर से जो सेकंड फिंगर हमारी ये वाली लाइक दिस वन, ठीक है, ये जो कट आ रहा है कट के अपर भाग, अगर हम बात करें इधर, ठीक है, नेल्स के ऊपर इधर, गाइस बहुत ध्यान से समझना है इसको। यहां पर हमारी कोन का 1% लाइक इतना 1 इंच का पार्ट ऐसे रहेगा, ठीक है, और हमारी कोन ना एकदम स्ट्रेट रहेगी इस तरह से, और हमेशा हम थंब से कोन को पुश करेंगे यहां से, कभी भी हम कोन को यहां से पुश ना करें। और यहां से जब भी आप मेहंदी लगाते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट है, जो हमारी ट्रेनिंग को रेगुलर अटेंड करते हैं, तो गाइस उनसे भी रिक्वेस्ट है यहां से मेहंदी बिल्कुल भी प्रेस ना करें, सिर्फ ये जगह आप रखें सपोर्ट के लिए, ठीक है। और जब आप कोन को चलाते हैं लाइक दिस वन, तो आप ना कोन ऐसे ना चलाएं, आपकी आपकी फिंगर यहां टच होनी चाहिए आपकी हथेली पे, और कोन आपकी स्ट्रेट हो, ठीक है, लाइक दिस वन। और जो हमारा दूसरा हैंड है गाइस, ये हैंड हमारा रहता है सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो इस वाले हाथ से हमें दूसरे हाथ को पकड़ना नहीं है, सिर्फ सपोर्ट देना है ताकि हमारा हाथ जब क्लाइंट के हाथ के ऊपर रखा हो या फिर किसी पैटर्न के ऊपर हो तो उन पे ज्यादा हमारा वेट ना डले, हमारा वेट हमारे हाथ पे ही हो, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब गाइस हम क्या करेंगे आज क्लास वन में, क्लास डे वन में और बिगनर्स क्लास में, तो उसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस कोन को हम क्लीन करेंगे, और ध्यान रखें कोन में बिल्कुल भी नेल्स का यूज बिल्कुल भी ना करें। गाइस बहुत ही हेल्पफुल ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह और भी लोगों की ट्रेनिंग काम आ सके, ठीक है। इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथ से स्किन से क्लीन करना है, ठीक है, चारों तरफ से। अब क्या करना है देखिए, अच्छी कोन की पहचान क्या होती है, मान लीजिए आपने टच किया, पुश किया, देखिए कोन निकली, एकदम हमारी कोन स्ट्रेट निकल रही है, दिख रही है ना आपको। जब हमारी कोन टेढ़ी मेढ़ी निकलती है तो आप समझ जाइए कि आपकी कोन खराब चल रही है, ठीक है। हम क्या बनाएंगे उस चीज को ध्यान से समझिए, देखिए सबसे पहले यहां पर हम टच करेंगे, देखिए गाइस यहां पर मैंने टच किया, पुश किया, ये बनाया मैंने एक राउंड सर्कल का डिजाइन। राउंड सर्कल बहुत से लोगों को बनाना नहीं आता है, मुझे पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हो, ठीक है। ये मैंने बहुत पतला बनाया, सोचो गैस मेरा गला इतना खराब है और मुझे इतना कोल्ड है, फिर भी मैं आपके लिए ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ, गर्म पानी पी रहा हूँ ताकि मेरा गला अच्छा बना रहे और मैं आपको ट्रेनिंग दे पाऊँ, ठीक है। तो गैस बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ट्रेनिंग है, ठीक है। इसमें अब हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से, एक एक स्मॉल सर्कल को आप परफेक्ट तरीके से बनाएं, ठीक है, कुछ इस तरह। गाइस इसकी प्रैक्टिस कम से कम आप करिए 20 से 50 बार, ठीक है।
इसकी प्रैक्टिस आपको 20 से 50 बार करनी ही करनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो गाइस फिनिशिंग ना अपने आप उभर के आएगी, ठीक है। और बहुत से लोग मैंने देखा है कि क्या करते हैं, स्मॉल सर्कल हो या राउंड सर्कल हो उनको ना ऐसे बनाएंगे, इस तरह से मतलब टच करेंगे उठा के बनाएंगे ऐसे। तो गाइस ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। राउंड सर्कल हमारा जो बनता है सिंपली यहाँ आप टच करें, पुश करें, स्कीन हो या पैटर्न हो उससे हल्का सा टच करके बनाएं, कुछ इस तरह। कोल्ड गाइस मुझे बहुत तेज है बट फिर भी मैं आपके लिए ट्रेनिंग लेके आया, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये बनाया, अब गाइस इसके बाद आप स्मॉल सर्कल दीजिए जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है। और गाइस एक आता है हार्ट शेप फ्लावर, जिन लोगों को हार्ट शेप फ्लावर बनाने नहीं आते हैं आज वो लोग हार्ट शेप फ्लावर बनाने के तरीके को समझ लें कि किस किस तरह से किन किन तरहों से हम हार्ट शेप फ्लावर को डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम टच करेंगे, पुश करेंगे, इस तरह से ये बनाया हमने हार्ट शेप फ्लावर, ठीक है। अगेन ये हमने टच किया, पुश किया, ऊपर की तरफ ले गए, इस तरह से। देखो गाइस दोनों फ्लावर अलग हैं, एक नहीं है, दोनों ही अलग हैं। एक तरीका ये होता है हार्ट शेप फ्लावर का, ठीक है। तीनों फ्लावर गाइस अलग हैं। तो जब आप इनको बनाते हैं तो फिनिशिंग से बनाएं, कोशिश करें कि क्लैरिटी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउटलाइंस की। जब आप किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, टच करूँगा, पुश करूँगा, उठा के लाइन दीजिए और फिनिशिंग के साथ दें। और कोशिश करें गाइस आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो और एक नियंत्रण बना के रखें ताकि आपकी लाइन एकदम परफेक्ट क्लिक हो सके। और लाइन जब भी बनती है तो हमेशा उठा के बनती है, कोन को कभी भी रख के ना चलाएं लाइन के लिए, ठीक है, नहीं तो आपकी लाइन में गाइस फिनिशिंग नहीं आएगी, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन कुछ इस तरह से। बहुत लोग सोचते होंगे कि सर स्मॉल सर्कल बहुत बनवाते हैं, गाइस स्मॉल सर्कल मैं इसलिए बनवाता हूँ ताकि फिनिशिंग मस्त रहे। अब देखिए मैंने ये स्मॉल सर्कल बनाया लेकिन हमारी जो ये फर्स्ट लाइन थी ना ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस लाइन को ठीक करने के लिए, यहाँ टच करेंगे, पुश करेंगे, इस लाइन को आराम आराम से हम कर देंगे बोल्ड कुछ इस तरह से, ठीक है। गाइस इससे क्या होगा, एक हमारी बोल्ड लाइन और एक हमारी पतली लाइन मतलब आउटलाइन, ठीक है। तो ये हमारी एकदम परफेक्ट बन रही है। सोचिएगा इतनी इंपॉर्टेंट इतनी वैल्यूबल ट्रेनिंग जो कि बहुत कॉस्टली है, जिन लोगों ने मुझे कॉल किया है उनको पता होगा कि मेरी ट्रेनिंग का चार्ज क्या है। सो गाइस इस प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेनिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। अब गाइस करना क्या है, यहाँ पर हमें इस तरह से बनाने हैं ड्रॉप्स, टच करें, पुश करें, ये डॉट बनाया। अब इसी को हल्के हाथ से नीचे की तरफ लेयर दे दें, फिर से हम टच करें, पुश करें, ये ड्रॉप बनाया, डॉट बनाया, डॉट को आप ड्रॉप में तब्दील कर दें इस तरह से, ठीक है। जब गाइस आप इस तरह से बनाएंगे, मैं आपको बताऊं बहुत से लोगों को ये डॉट्स बनाने नहीं आते हैं, ये ड्रॉप बनाने नहीं आते हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों को आते हैं कृपया वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और जिनको नहीं आते हैं वो लोग भी बताएं। और नहीं आते हैं क्यों नहीं आते हैं गाइस, आज की इस ट्रेनिंग के बाद मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आप इसको बनाना सीख जाएंगे। कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप पहले टच करो कोन को बिना हिलाए, पुश करो इस तरह से ऐसे, ठीक है, डॉट बनाया। अब इसी के अंदर कोन को दोबारा से आप टच कीजिए, अब नीचे की तरफ हल्के हाथ से लेयर दे दो, ठीक है, ऐसे बनेगा फिनिशिंग से। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टच किया, पुश किया, ये हमने बनाया ड्रॉप का डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने टच किया, पुश किया, नीचे की तरफ लेयर ले गए और अंदर की तरफ आउटलाइन दी ऊपर की तरफ इस तरह से। तो गाइस ये बना दी हमने मॉडर्न आंबी, ठीक है, बहुत इजी है। अब देखिए ड्रॉप्स के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, एक हम यहाँ पर लाइन दे रहे हैं इस तरह से, टच करेंगे, पुश करेंगे, नीचे की तरफ लेयर देंगे आराम से, ठीक है। अब इसी के साथ में हम और ड्रॉप क्लिक करेंगे सीधे सीधे, एक दो तीन चार
ये बनाया हमने आंबी का डिज़ाइन पांचवा, ठीक है। अब इधर भी बनाएंगे हम, टच किया, पुश किया, नीचे की तरफ लेयर दी, वन टू थ्री फोर एंड ये फाइव, देख पा रहे हैं गाइस, बहुत ही अच्छा डिजाइन है और बहुत ही ज्यादा ना हेल्पफुल डिजाइन है, ठीक है। इन्हीं डिजाइनों से आप बहुत सारे डिजाइन को, मल्टीपल डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से लोगों को मैं बताऊं, आम भी बनानी नहीं आती, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आके डायरेक्ट क्लास को अटेंड करते हैं, ठीक है, दिल्ली में हमारे इंस्टीट्यूट में, उनको आम भी बनानी नहीं आती। तो गाइस, आम भी बनाने का सबसे शॉर्टकट मैं आपको तरीका समझाता हूं। देखिए, जिन लोगों को आम भी बनानी नहीं आती, किन किन लोगों के नाम एस से शुरू होते हैं, एस लेटर से शुरू होते हैं, वो लोग कमेंट्स करें और वो लोग समझ जाएं कि अगर आपको आंबी बनानी नहीं आती है तो आंबी कैसे बनती है। सबसे पहले आप इस तरह से बना लें बढ़िया सा सुंदर सा एस का डिजाइन, एस का लेटर कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बन गया एस, बन गया ना। अब इसी एस से हम आंबी कैसे बनाएंगे वो समझिए। यहां आप टच करें, पुश करें, इस तरह से एक सी बनाएं, फिर दूसरी सी बनाएं। सी का मतलब अगर हम आधी बनाएंगे तो सी बन जाएगी, इधर से आधी बनाएंगे तो सी बनेंगे, डबल सी बोले तो एस, ठीक है। अब एस को हम आंबी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझिए। देखो, जो हमारी स्टार्टिंग का ये पॉइंट था और जो हमारा ये एंड का पॉइंट है, पहली चीज, दोनों हमारे एक लेवल पे होने चाहिए, एक बराबर होने चाहिए, इस चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। यहां पर हमें इस तरह से अंदर की तरफ आउटलाइन देनी है, एक राउंड सर्कल जो आप बनाते हैं ना, लाइक ये बनाया हुआ राउंड सर्कल आपने ऐसे पहले प्रैक्टिस की होगी, तो आप इस तरह से यहां से राउंड सर्कल दे दो, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। राउंड सर्कल दोगे तो बढ़िया सा आपका एस बन जाएगा। अब उसके बाद यहां पर आप टच करें, पुश करें, एकदम स्ट्रेट आपको आउटलाइन देनी है यहां पर। अब कुछ लोग गलतियां हम तो क्या करते हैं, कुछ लोग गलतियां ये करते हैं, देखो पहली गलती, ऐसे बनाएंगे एकदम और फिर इस तरह से बना देंगे आंबी, ये लो जी आंबी बन गई इस तरह से। तो गाइस, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दूसरी गलती क्या करते हैं, यहां पर टच करेंगे, पुश करेंगे और ऐसे इस तरह से आउटलाइन दे देंगे, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत महान और बहुत बड़ी आंबी बना दी है। तो गाइस, ये गलती बिल्कुल भी ना करें, आंबी कभी भी ऐसे नहीं बनती है। मैं आपको बहुत प्यार से आज गाइड करने आया हूँ, बहुत बारीकी समझाने आया हूँ, ताकि आप जो गलतियां कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो गलतियां कृपया करके ना करें, ठीक है। आंबी कैसे बनती है वो समझिए, आपको अगर डायरेक्ट बनानी है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस फ्लावर से आंबी जोड़ूं, तो टच किया, पुश किया, इस तरह से आउटलाइन को ऊपर की तरफ ले गए ये, ठीक है। टर्न किया, यहां पर हमने टच किया, पुश किया, जब ऊपर की तरफ ले जाए तो हमारी कोन और हमारा जो ये आकार है ये थोड़ा पतला होना चाहिए, मतलब अगर हम बात करें ये एक तरीके से ए का डिजाइन बन गया है, ये देख रहे हो आप, ए लग रहा है। गाइस, ये समझ में आ गया आपको। देखिए, आंबियां बहुत तरह की होती हैं गाइस। हाँ, एक चीज और है, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपको एक लाइव क्लास दूं, मतलब हफ्ते में एक बार, संडे संडे या सैटरडे सैटरडे, जैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप लोग आज दबा के वोटिंग कीजिए, इतनी वोटिंग करें, आज वोटिंग क्या करनी है, कमेंट करें, कमेंट करें कि सर आप हफ्ते में एक दिन लाइव आया करें। लाइव आने का मतलब क्या है, मैं लाइव क्लास लूंगा, मतलब यूट्यूब पे एकदम लाइव आऊंगा और बैठ के ना एकदम, हमारे पास नया स्टूडियो है, अब बाहर की नॉइस भी नहीं आती है, तो गाइस अब मैं ना लाइव क्लास लिया करूंगा हफ्ते में एक दिन। आप लोग कमेंट करें, कम से कम जब 200 कमेंट होंगे, सोचिए जब 200 कमेंट्स होंगे और 1000 से ज्यादा लोग लाइक कर देंगे इस वीडियो को, आज इस वीडियो को 1000 से ज्यादा लोग लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे दबा के, और 200 कमेंट्स कम से कम होंगे कि सर आप लाइव आइए, हफ्ते में एक दिन लाइव आया करें, और हम लाइव में रियल क्लास अटेंड करना चाहते हैं। तो गाइस, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं कितना भी बिजी रहूं, पूरे भारत के किसी भी कोने में रहूं, लेकिन गाइस हफ्ते में एक दिन लाइव जरूर आऊंगा और आपके ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर लेके आऊंगा उसमें, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं लाइव जुड़ूंगा ना आपसे रूबरू हूंगा, तो गाइस आपको यकीनन मजा आएगा, और मतलब आपके ना सारे क्वेश्चन के आपको आंसर इजीली मिलेंगे, ठीक है।
तो गाइस कमेंट करें और लाइक जरूर करें, तभी मुझे मालूम पड़ेगा आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं, ठीक है। और गाइस प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपके पास हर हफ्ते में एक बार लाइव जरूर आया करूंगा, लेकिन गाइस उसके लिए आपको वोटिंग करनी पड़ेगी, कमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। अब गाइस ये हमने आंबी बनाना समझ लिए, ठीक है। एक आंबी का तरीका क्या होता है वो आप समझिए। सपोज करें देखो, ये हमने बनाया इस तरह से आउटलाइन, ये बनाई नीचे का आउटलाइन, ये बनाया हमने फाइव, क्या बनाया फाइव, फाइव ही है ना, ये सिक्स तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, फाइव को हम आंबी में कन्वर्ट कैसे करें, इस तरह से एक लाइन दें, ये देखिए, अब इसको हमने टर्न किया इस तरह से, हल्का सा हमें रोटेट करना है। अगर हम बात करें तो इधर से, अगर हम बात करें तो ए बना दिया हमने, ये हमने राउंड सर्कल दे दिया। तो गाइस एक आंबी का तरीका ये भी होता है, जैसे कि आपने हमारी बहुत सारी डिजाइनों में बेल्स में देखा होगा, जैसे अगर हम बेल बनाऊं तो एक अच्छी बेल अगर बनानी हो मुझे आंबी आंबी जोड़ के तो कैसे बनेगी, देखिए सिंपली मैं बताऊं आपको, इस तरह से पहले कोन को क्लीन करते रहें अच्छे से, ठीक है। और गाइस कोशिश करें, जैसे मान लीजिए हमने लाइन दी, जितनी प्रेशर से हम लाइन कोन को पुश कर रहे हैं उतनी आराम से हम, उतनी स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोन को पुश ही नहीं किया, आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी लाइन टूट जाएगी, जैसे कि अब मैंने पुश नहीं किया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। या फिर मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हूँ और मैं आगे नहीं बढ़ रहा, तो गाइस इस तरह से हमारी मेहंदी ये बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को आप एक बैलेंस में लेके चलें, जब आप इनको बैलेंस में लेके चलोगे ना तो गाइस क्लैरिटी ना बहुत ज़बरदस्त आएगी। कैसे, जैसे कि देखो, सबसे पहले आप जब कोन चलाते हैं आप ये जस्टिफाई करो, जब आप कोन को टच करते हो कि आपकी कोन आपके टच करने से पहले निकल रही है, यस या नो, अगर निकल रही है तो गाइस कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, ब्रेक लगाओ, थामा यार थामो, जब थामोगे ना तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि देखो मेरी कोन यहाँ रखी है ना, मेहंदी बिल्कुल भी नहीं निकल रही, बिल्कुल भी मेहंदी नहीं निकल रही, क्या निकल रही है कमेंट करो, नहीं ना, देखो टच किया, पुश किया, आराम से हल्की सी डॉट दें और उसी डॉट के ऊपर से लेयर को उठाते हुए चलें, आराम आराम से, आराम आराम से इस तरह से बढ़ाएं, ठीक है। और कुछ लोग जानते हैं गलती करते हैं, ऐसे बढ़ाएंगे, टच किया फिर ऐसे एकदम झटके से देंगे, यार ये नहीं करना, ठीक है। मतलब इस तरह से नहीं बनाना, मतलब जो बनाओ एकदम परफेक्ट तरीके से बनाओ, लाइक दिस वन, इस तरह से पहला, फिर दूसरा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, डीपली कॉन्सेंट्रेट करना है इसके अंदर ना, घुस जाओ पैटर्न के अंदर। जब आप पैटर्न बनाते हो ना तो आपको लगना चाहिए कि यार आपके चारों तरफ कोई नहीं है, ठीक है। जब आप इस सोच को लेके बनाओगे ना तो यकीन मानो गाइस बहुत ही मस्त मेहंदी सीख जाओगे बहुत कम टाइम में, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ आंबी बनाना, आंबी से बहुत फटाफट से हम बेल कैसे बनाएं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर ये बनाया एक राउंड सर्कल, ठीक है, राउंड सर्कल दे दिया। अब मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन कुछ इस तरह से, एक एक स्मॉल सर्कल को बढ़िया बनाए, फिनिशिंग से बनाए और अच्छा बनाए, ठीक है। और इस तरह से ये बनाए हार्ट शेप फ्लावर। जब आप हार्ट शेप फ्लावर बनाते हो तो गाइस थोड़ा सा बोल्ड करके बनाएं, थोड़ा सा मोटा बनाएं, पतले बनाएंगे तो गाइस मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जब आप थोड़े मोटे बनाओगे ना डिज़ाइन तो आपका डिज़ाइन खिल के आएगा, उभर के आएगा, ठीक है। ये हमने बनाया, अब करना क्या है, यहाँ पर आप टच करें, पुश करें, इस तरह से ये बनाएं आंबी का डिज़ाइन। थोड़ी कोन मोटी चला रहा हूँ इसीलिए गाइस देख रहे हो हमारी कोन कहीं ना कहीं जिगजैग की तरह निकल रही है। इस तरह से ये मैंने अगेन एक आउटलाइन दिए, तो गाइस ये आंबी का डिज़ाइन बन गया, ठीक है। अब यहाँ से हम टच करेंगे, पुश करेंगे, ऊपर की तरफ आउटलाइन देंगे, अंदर की तरफ गोल करेंगे, इस तरह से गाइस मैंने एक आंबी और बना दी है, ठीक है, ऊपर से आउटलाइन दे दिए। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे यही राउंड सर्कल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो गाइस सारा गेम ना इन्हीं तीनों चीज़ों से मैं पूरी एक बेल बना दूंगा, बढ़िया सी बेल, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको भी गाइड की है ना, यही राउंड सर्कल है, उसके ऊपर हम बना रहे हैं स्मॉल सर्कल के डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद हम बना रहे हैं हार्ट शेप फ्लावर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
आराम आराम से एक एक हार्ट से फ्लावर को आप बढ़िया बनाएं, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद गैस कोशिश करें कि छोटे बनाएं, जब बड़े बनाओगे ना तो गैस फिनिशिंग कहीं ना कहीं नहीं आएगी और फिर जो उसके अंदर आप फीलिंग भी करना चाहोगे ना वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर नहीं यहाँ तो बना दिया बट यहाँ थोड़ा सा ना खाली सा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि खाली है तो आप इस तरह से जो अभी मैंने कुछ सिखाया ना ये ड्रॉप ये कैसे बनाने हैं वो सीख लो। आप इस तरह से पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, आउटलाइन दें, यहाँ पर भी आउटलाइन दे दें, तो गाइस ये ओपनिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस कोशिश करें आपस में बिल्कुल भी मिक्स ना हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वो आप समझिए। इस तरह से अब हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नीचे के लिए इसी तरह से आप टच कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये आंबी का डिज़ाइन बनाएं कुछ इस तरह से, आउटलाइन बना दें लाइक दिस वन, ठीक है। आउटलाइन देने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने अभी सिखाया था ना ये वाली आंबी बनानी आपको, ये देखिए यही वाली आंबी है, ठीक है, ये ऐसे बनती है। यहाँ पर आप आउटलाइन दे दें, आउटलाइन के बाद गाइस देखिए ये अगर आप कलाई से शुरू करते हो ना तो फिंगर तक खत्म कैसे होगी वो देखो। यहाँ पर आप टच करें, पुश करें ऊपर की तरफ, ये बना दें, इसको हम बोलते हैं अगर हम बड़ा बना रहे हैं तो गुंबद है, छोटी बनाएंगे तो ये लीफ बनती है। जिन लोगों को लीफ बनानी नहीं आती है गाइस बहुत सिंपल है लीफ का डिज़ाइन बनाना। इस तरह से टच करें, सिंपल सी आउटलाइन दें और यहाँ पर इस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ करें, पहली आउटलाइन, दूसरी आउटलाइन, इक्वल टू, तो ये बन गई लीफ, ठीक है। ये गाइस हमने बना दी लीफ, बीच में लेयर दे दें, साइड में पतली पतली सी लेयर डालें इस तरह से। कोशिश करें गाइस जब आप लेयर बना रहे हो तो ये आपस में मिक्स ना हो, अगर आपकी लेयर आपस में मिक्स हो गई तो आपकी लीफ नहीं फिर कुछ और ही बन जाएगा ये, इस तरह से, ठीक है। एक एक लाइन को, एक एक लेयर्स को ना अच्छे से बनाएं, फिनिशिंग बनाएं, यहाँ पर टच करें, पुश करें, बोल्ड करें। गाइस अगर आप चाहते हैं मैं कम से कम 10 दिन आपको एक बिगनर्स की ट्रेनिंग दूं, इसी तरह से बारीकी से एक एक एलिमेंट को गाइड करूं और छोटे छोटे से चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग लेके आऊं, तो गाइस कमेंट करें। अगर आपको ये ट्रेनिंग वाकई में अच्छी लगी है तो गाइस लाइक जरूर कर दें और कमेंट करें कि इसी टाइप की मैं कम से कम 10 दिन आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लेके आऊं, जो टफ पैटर्न है जो आप नहीं बना पा रहे हो वो आपको मैं पर्सनली गाइड करूं, जैसे पिकॉक हो गया, ढोल सहनाई हो गया और भी जो एलिमेंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी ट्रेनिंग को रेगुलर लेके आऊं, मतलब इस टाइप की ट्रेनिंग में, तो गाइस कमेंट जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की हर एक इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल नोटिफिकेशन आप तक। गाइस इसी चैनल पे हमारी बहुत सारी एडवांस, नॉन एडवांस, ब्राइडल मेहंदी, नॉन ब्राइडल मेहंदी, बिगनर्स मेहंदी, सारी क्लास इसी चैनल पे आती रहती है, तो गाइस पूरी ट्रेनिंग का आनंद लें और आप भी इंजॉय करें। मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच गाइस।